हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बर्ड। टुडे इन चैप्टर नंबर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट दैट फैक्टर्स, यानी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि हर एक नंबर का एटलीस्ट यानी कम से कम डैश फैक्टर्स यानी कितने फैक्टर्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2। ठीक है, हर एक नंबर के कम से कम दो फैक्टर्स होते हैं। सेकंड पार्ट, डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है कि वो सारे नंबर्स का फैक्टर है, वो है 1, क्योंकि 1 सारे सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। थर्ड, 1 इज द डैश फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सारे नंबर का कौन सा फैक्टर है, यानी बड़ा है छोटा है, तो इसका आंसर है स्मॉलेस्ट। फोर्थ, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ, हर एक नंबर किसका फैक्टर होता है, वो हर एक नंबर उसका खुद का फैक्टर होता है, यानी जैसे 1 किसका फैक्टर है, 1 का भी फैक्टर होगा। अब फिफ्थ, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर डैश और डैश द नंबर इटसेल्फ, यानी जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो या तो उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, नहीं छोटा या तो बड़ा तो उसका हो नहीं सकता क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में स्टडी किया था, या तो वो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो एक में हमारा आंसर रहेगा लेस और इक्वल द नंबर इटसेल्फ। सिक्स्थ है, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ डैश, सारे नंबर किसके फैक्टर होते हैं, 0 के। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नंबर इज डैश ऑफ 1, हर एक नंबर 1 के क्या है, 1 के मल्टीप्लाई है। सेकंड, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, सारे नंबर किसके मल्टीपल है, इटसेल्फ के, जैसे 5 इसका खुद का भी तो मल्टीपल होगा। अब थर्ड, डैश इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है वो सारे नंबर का मल्टीपल है, वो है 0। फोर्थ, एवरी डैश मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर इज आइदर डैश देन और इक्वल टू द नंबर, एवरी डैश मल्टीपल, एवरी कौन सा मल्टीपल तो होगा नॉन जीरो। ऑफ अ होल नंबर इज आइदर, यानी कोई भी मल्टीपल किसी भी होल नंबर का जो होगा वो या तो उससे बड़ा होगा या उसके, तो वो क्या होगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर दिए, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 30। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30। तो हमें फैक्टर्स निकालने किसके, 30 के। अब जो 30 है वो किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले हमें पता है कि 1 और जो नंबर वो खुद यानी 30 वो उसका खुद का फैक्टर होता है, तो पहले हम लिख देते हैं 1, ऐसे लिख देते हैं, 31 30 भी आता है, और 30 जो है फिर देखो 30 है ना, 15 2 13 होता है, 6 5 30 होता है, और 10 3 30 होता है, और किसके टेबल में 30 आता है, तो जिन जिन टेबल में 30 आता है वो उसके फैक्टर्स होंगे। तो हम पहले छोटे ऑर्डर से लिख देते हैं, 1 इसका फैक्टर है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है, और लास्ट में है 30। तो हमने इस तरह से 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 45।
यानी हमें 45 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले किसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, 45 के। तो हमने लिख दिया यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 45। अब ये 45 किस किस के टेबल में आता है, तो सबसे पहले वो 1 के टेबल में तो आ गई, तो 45 इंटू 1 कितना होगा, 45। और हमें एक प्रॉपर्टी के सिर्फ ये भी पता है कि 1 सबका, सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, ठीक है। और 45 खुद का भी एक फैक्टर है, वो हम बाद में मेंशन करेंगे। और 9 5 भी 45 होता है, और 5 9 कहो या 9 5 एक ही बात है। और 45 किसके टेबल में आता है, और एक 15 3 भी 45 होता है। तो इस तरह से अब हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 1 तो सबका होता है, फिर 1 से बड़ा कौन सा नंबर है, अगला फैक्टर हमारा 3, फिर 3 से बड़ा है 5, फिर 5 से बड़ा है 9, फिर 9 से बड़ा है 15, और 15 के बाद में 45। तो इसमें हमने एक चीज नोटिस की कि 45 खुद का तो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, उसके से छोटे ही सारे उसके फैक्टर होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब हमारा 6 क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 330। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें 330 के सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा 330 का फैक्टर होगा 1, उसके बाद में सारे फैक्टर्स होंगे। अब ये 330 किस किस के टेबल में आता है, तो 330 के खुद के टेबल में भी आएगा, वो हम बाद में लिखेंगे। और अब 1 तो हो गया, फिर 2 × 165 कितना होता है, 330। तो हमारा अगला फैक्टर है 2, और 165 या 165 × 2 दोनों बात ही एक, यानी दोनों का आंसर 330 ही आएगा। फिर उसके अलावा है 3 × 110, तो ये हमारा अगला फैक्टर होगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 330 आएगा। उसके बाद में 5 × 66 करेंगे, तभी भी आप चाहो तो एक काम कर लेना, 330 को है ना 2 से डिवाइड करना, आप चेक कर सकते हो अलग से। जैसे 330 है ना, अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो वो उसका फैक्टर होगा, ये भी एक ट्रिक है। फिर उसका अगला फैक्टर है 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 330 आए, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 55, यानी 6 और 55 दोनों ही 330 के फैक्टर है। फिर अगला जो फैक्टर है वो है 11, 11 को हम अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 और 30 दोनों ही 330 के फैक्टर है। तो इस तरह से हमने सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो फर्स्ट हमारा फैक्टर तो 1 है, उसके बाद में 2 भी है, फिर 3 है, फिर 3 से बड़ा है 5, फिर 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 11, 11 के बाद में 30, 30 के बाद में 55, 55 से बड़ा है 66, फिर 110, और लास्ट में सबसे बड़ा फैक्टर है 165 से बड़ा एक और फैक्टर है, वो है 330, यानी जो नंबर हमें जिसका फैक्टर निकालना है वो खुद। तो इस तरह से हमने आज इस क्वेश्चन में 330 के फैक्टर्स निकाले। अब हम 900 के, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि हमें किसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 900 के। अब ये 900 किस किस के टेबल में आता है, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर तो 1 तो होता ही है। अब हम इसके दूसरे यानी इसके अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 2 को हम अगर 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 900 आएगा, या आप 900 को 2 से डिविजिबल करोगे तो उसका क्वेश्चन आएगा 450। इस तरह से अगर 2 से, ये 900 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो ये जो 2 इसका एक फैक्टर होगा। अब हम इसका नेक्स्ट फैक्टर फाइंड, तो 3 को हम अगर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 900 आता है, और अगर 900 को हम 3 से डिविजिबल करें तो उसका क्वेश्चन 300 आता है, तो ये इसका एक और फैक्टर है। फिर 4 को हम
225 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर 900, यानी 4 और 225 ये दोनों ही हमारे 900 के फैक्टर है। फिर 5 को हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तभी हमारा 900 फैक्टर है। फिर 6 को हमने 150 से किया तभी भी हमारा एक और फैक्टर है 900 का, वो है 6 और 150। फिर 900 का भी 900 होता है, यानी यहाँ पर 9 और 100 दोनों ही हमारे 900 के फैक्टर से। सिमिलरली 10 का भी कितने होते हैं 900, तो 10 और 90 दोनों ही हमारे 900 के फैक्टर हैं। और 12 को हम अगर 75 से मल्टीप्लाई करें 75 का भी 900 होता है, यानी 12 और 75 दोनों ही हमारे 900 के फैक्टर है। और हमारा अगला है 1560 का, वो भी हमारे 900 के फैक्टर से, यानी हम ये सारे हमारे फैक्टर से। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स लीजिए, 1 हमारा फैक्टर है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 9। यहाँ पे आपको फैक्टर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर 15 के बाद में है 60, फिर 65 में 75, फिर 90, फिर 100, फिर 150, फिर 180, फिर 225, फिर 300 और फिर 450 और सबसे बड़ा फैक्टर है 900। तो इस तरह से आज हमने फैक्टर्स कैसे किसी भी नंबर के निकालना वो हमने सीख लिया है, और हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।